ए ऊपर आ जाएगा तो। हेलो एवरीवन, वेलकम है, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं बहुत ज़्यादा फास्ट में ये व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, पता नहीं आगे जाके आपको पता चल जाएगा। तो आज हम जा रहे हैं नाडोल कुल देवी के धोख देने, और कुछ भी प्लान नहीं था। सुबह सुबह जल्दी से मैं मतलब 2 मिनट में नहा के बस निकली हूँ। जस्ट कैसे रेडी हुई वो भी मेरे को नहीं पता। मस्त लगे उसको कलर नहीं, थोड़ा ब्राइट कलर शर्ट रहो तो मेरे पापा वगैरह सब लोग हैं। और पता नहीं ये व्लॉग क्या होने वाला, तो आप समझ जाना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, ठीक है? ओके तो चलिए स्टार्ट करते। और मैंने ये येलो वाली कुर्ती पहनी है। अगर पहले से प्लानिंग होती तो मैं शायद कुछ अच्छा पहनती, लेकिन फास्ट फास्ट में सब कुछ ऐसे होता था। ठीक है चलिए। ये ले अंडा लाज 50 खुला खुला लाज ये 50-50 खुला करना ना, ये 50 नहीं देवो फेवरेट तो ना मैं ना अंडा से पहले दो ना 20 पर ना ना दो है ना हट ले। जो जो नाडोल जाते हैं या फिर मारवाड़ साइड इस रास्ते से जाते हैं, उन लोगों को पता होगा कि बीच में रणकपुर रोड से स्टार्ट होने से पहले एक मंदिर आता है रूपण माता का। तो अगर कोई नाडोल जाता है आशापुरा के, तो हमेशा फिक्स से यहाँ जाना तो बनता ही है। मतलब बीच में या आता है रास्ते में, हमेशा मैं बचपन से ही जाती आई हूँ यहाँ पर। बहुत अच्छा मंदिर है, हमेशा इन माता जी के हम दर्शन करते ही है। तो आज भी हम आए थे। पहले हम नीचे बैठे थे, और फिर हमें रणकपुर वाला जो रोड स्टार्ट हो गया, वहाँ ऊपर बैठ के जो मज़ा आता है और वो सारे रोड देखने का, मतलब ऐसा रास्ता है ना एकदम जंगल में, ऐसे उबड़ खाबड़, अगर एक गाड़ी स्लिप हो गई तो नामो निशान नहीं मिल रहा है। तो हम लोग ऊपर ही बैठे थे, बस मज़ा आया था। मैं आप लोगों को बताऊँगी आगे, ये वाला रास्ता मतलब मेरा फेवरेट जगह है, हमेशा बहुत मज़ा आता है यहाँ पर। ए मंदिर देखे बहुत सारे।
देखो हमें सीरियस नमकीन है। हाय ये देखो गिरजा के फ्रेंड्स लोग है सब, कोमल टीना पीना सब है। अनीता ले मामा खूब सुबह देवानी दे जवा दर लगे हमारे अब जिला पाली लग गया है। और ये हमारी नाड़ोल में एंट्री हो चुकी थी और इतनी ज़्यादा गंदा रास्ता था, मतलब पूरी शक्ल की बैंड बच गई थी, इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी, इसलिए सबके चेहरे ढक दिए थे, सबने सब दुल्हन बन के दुल्हन बनकर बैठे थे और मेरी तो वैसे भी हालत टाइट थी। और हम नाड़ोल में आते ही मतलब इतने ज़्यादा ट्रैफिक लग चुका था, मतलब इतने लोगों के ना कुलदेवी ज़्यादातर आशापुरा ही है इसलिए इतने ज़्यादा लोग आए थे और नवरात्रि भी चल रही थी ऊपर से, तो दर्शन के लिए भीड़ लगी हुई थी और इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, इसलिए हम जो मेन गेट होता है वहीं पे हम उतर गए थे और वहाँ से हम पैदल गए थे डायरेक्ट मंदिर में। और नाड़ोल का इतना ज़्यादा कॉम्पैक्ट पाउडर हमारे हम सबके कपड़े फेस शरीर सामान पे लग चुका था, इसलिए हम फिर यहाँ पे जो पानी के थे वहाँ पे हम लोग ऐसे मतलब अपना फेस वॉश वगैरह करने और थोड़ा बहुत पानी वानी पीने और कपड़े वपड़े सही करने के लिए साइड में आ गए थे ताकि फिर आराम से दर्शन करें, मतलब पहले से इतने ज़्यादा दूर और ऊपर से इतनी ज़्यादा मिट्टी, हालत पूरी ख़राब हो चुकी थी, इसलिए मैं यहाँ पर आके थोड़ा तैयार शैर। ऐसा भी गर्मी हो रही है, चेहरे की तो वैसे ही 12 बजी हुई है लेकिन ठीक है, दर्शन करना इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट ना कि अच्छा दिखना। और यहाँ पर इन लोगों का टचअप चल रहा था, पानी को देखकर लग रहा था कि मैं इसमें कूद जाऊँ, सीरियसली बता रही हूँ इतनी लंबी भीड़, मतलब मंदिर कहाँ है और हम लोग कहाँ पे खड़े हैं और इतनी गर्मी ऊपर से हालत टाइट हो गई। आदि सच्चर सुखराम जी महाराज कहते हैं कि राम नाम लो और भाग जगाओ, अगर कोई सतगुरु विधि से आती जाती स्वार्थ में राम नाम का स्वामीनारायण अगर कोई करेगा तो संत बताते हैं कि उसके दुख कटेंगे सुख बढ़ेंगे, घर में असंभव कार्य संभव होंगे और परमात्मा की प्राप्ति होगी। राम नाम हिंदू शास्त्र का सनातन धर्म है, राम नाम से पर तक तीरे, अगर आप भी राम नाम का सुमिरन करोगे तो इस भवसागर से पार उस परमात्मा राम जी के अमर लोक में जाओगे, जहाँ जाने के बाद दुख मांगने पे भी दुख नहीं है। सभी ने राम नाम करते हुए आगे चलना है और घर जाके भी राम नाम का सुमिरन करना है, करो भैया राम राम। मंदिर में फोटो और वीडियोस अलाउड नहीं थे इसलिए मैंने वहाँ पे वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि अगर मना कर रखा है तो हमें ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, इसलिए फिर मैंने नहीं किया, ताकि मैं आप लोगों को दर्शन ज़रूर करवाती। लेकिन मैंने पर्सनली बहुत अच्छे दर्शन किए, मतलब दिल खुश हो जाता मेरे जैसे देख के। और अभी अभी ये आप लोगों को पता होगा कि शायद ब्राह्मण ने मतलब ब्राह्मण जाति के लोगों ने ये क्या बोलते हैं इसको त्रिशूल, पीतल का त्रिशूल बनवाया, बहुत ज़्यादा बड़ा था और बोलते ना एक ऐसे साइन हो चुका था
नाडोल का ऐसे आशापुरा मंदिर का, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर हम लोग, मेरे को पापा ने 300 रुपये दे के बोला कि जा देखो जो जी ले अपनी ज़िंदगी। तो पहले से गर्मी बहुत थी इसलिए फिर मैंने यहाँ आके नींबू पानी पी लिया। ये लोग यहाँ पे आइसक्रीम खा रहे थे मेरे को पागल बना के, कि पहले तो मेरे को बोला कि नींबू पानी पियेंगे साथ में, मेरे को छोड़ के चले गए। फिर मैंने अकेले ने ऐसे नींबू पानी पिया, फिर ये लोग यहाँ पे आइसक्रीम वगैरह खाने लगे, फिर मेरा भी मन हो गया ठीक है। तो फिर मैंने भी यहाँ से बादाम शेक ले लिया। पिछली बार मुझे लेगी थी ऑटो, देखो हो तो देख लो क्या आया। कलर नहीं आया आपकी, ये भी ठीक लग रहा है यार। कलर कॉम्बिनेशन हम नहीं आना, ये सब जो रंगीन है, मैंने रंगीन नहीं पसंद या फिर एक इस रेड ये और थोड़ा ठीक लग रही हमारे सब। देखो ये रेड है ना, नहीं आशा पूरा सही है क्या मास्क लगा रहे क्या? देख पहले आधा लगा नहीं, देख तो सारा फोटो मिलते हैं वो फोन, तू फोन में नहीं आ रहा, फोन नहीं उठे रहा, दिमाग खराब कर रहा, मैंने लड़ी वे फोन करना। अरे देख लो बड़ा कहीं नहीं होना, छोटे बहुत लग रहे बढ़िया नहीं है छोटा। ए राजा कटिंग कब पड़िया सा गल में एटे दे घेरे पड़िया एटे गणपति आशा पूरा से तो गणपति आशा पूरा थी समझ में नहीं आ रहा। नहीं ये दोनों ने जिससे आशा पूरा छे इनमें और इनमें क्या फर्क रखे फिर, उनके क्या प्राइस है बता दो किसकी? और बड़ी वाली फ्रेम के और जो अभी दी आपको? नहीं जैसे कि मान लो ये नॉर्मल ये है, ये 150 की, वही तो बोल रही हूं। ये डबल है ना, सिंगल नहीं है डबल है, बता दे ना। 100 में दे दो भैया। हां सुनी लो देखो छोटी बड़ी 120 हां तीन भरो 120 बता दो वो आगे निकल जगह नहीं है वो आगे निकल। दिन से शाम, शाम से रात हो गई थी, बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था। मतलब यहाँ पर अभी बज रहे थे 7 और हमें घर पहुँचते पहुँचते बजे हो जाएगा 8 या 9। तो बस यहीं पे व्लॉग को एंड कर रही हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।